to Jesus tonight. 35 years he could not walk. Now he is walking. Your sorrow can turn into joy. When Jesus comes, जब यीशु आता है, one blessing after another comes. एक के बाद एक आशीषें आना शुरू होती हैं। भाई, Dr. Paul Dinakrin द्वारा, God says, परमेश्वर कहता है, I will never stop doing good to you. मैं भली बातों को करने से कभी नहीं रुक। दिए गए संदेश को पेश करते हैं। इसे देखें और परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करें। This morning, God is commanding a blessing amongst us. Every one of us shall be transformed into the image of Jesus. और हम में से हर एक यीशु के रूप में बदल जाएगा. Hallelujah. Hallelujah. People don't come to see who we are. लोग ये देखने नहीं आते कि हम कौन हैं. People come to see who Jesus is through each one of us. वो देखने आते हैं कि हमारे बीच में यीशु मसीह कौन है. And this morning he is here to transform us into his image. और आज वो यहाँ पर हमें अपने रूप में बदलने आए हैं. In 1992. 1992 में. We had a meeting in India Gate Lawns. और इंडिया गेट के लॉन्च में हमारी एक सभा हुई. One night I had to preach. और एक शाम को मैंने प्रचार किया. I was getting ready. मैं उसके लिए तैयारी कर But रहा at था. 3 o'clock a terrible stomach pain came. लेकिन 3 बजे एक भयानक पेट में दर्द हुआ. Headache came. सिर दर्द हुआ. And a guilt came into my heart. और मेरे दिल के अंदर एक गलती का बोध आया. Literally I felt the demonic spirits in the whole kingdom of hell coming against me. और मुझे आक्षरिक तौर पर लगा कि पूरे शैतान का गढ़ या संसार मेरे विरोध में आ रहा है. I was all alone. मैं अकेला था. And I struggled so hard. मैंने वहाँ पर कश्मोकश किए. I told my dad, you have to preach tonight. I am not going to. मैंने अपने पिता से कहा, आप प्रचार करिएगा, मैं नहीं कर सकता. He said, you are going to preach. उन्होंने कहा, आप ही प्रचार करोगे. Obey me. मेरी आज्ञा मानो. I had no choice. मेरे पास कोई विकल्प नहीं रहा. With all that agony. सारी उस पीड़ा के साथ. I could not prepare the message. मैं संदेश को तैयार नहीं कर could पाया. Not pray. प्रार्थना नहीं कर पाया. But went with that agony to the platform. लेकिन उसी पीड़ा के साथ मैं मंच पर गया. They announced my name. और उन्होंने मेरा नाम कहा. I thought I'm going to faint and fall. और मुझे लगा कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा. No presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति दिख ही नहीं रही थी. Moment I came to the platform. लेकिन जैसे ही मैं मंच पर चढ़ा. I was a different man. मैं कुछ अलग ही दिखने लगा. And the power of God came. परमेश्वर की सामर्थ्य आई. And a great compassion came upon the people in my heart. और मेरे दिल में लोगों के प्रति बड़ा तरस भर गया. And I talked about the peace of God. और मैंने परमेश्वर की शांति के बारे में बताया. That night we saw the greatest number of people receiving the Lord. और उस शाम को हमने देखा कि अधिकतम लोगों ने यीशु को स्वीकार Miracles, किया चमत्कार deaf hearing, blind seeing and so on. और वहां पे अंधे देखने लगे बहरे सुनने लगे सारे चमत्कार But finally, लेकिन अंत में one lady came to the platform. एक महिला मंच पर आई. She said, I was suffering with back pain for more than 25 years. उन्होंने कहा कि मैं कमर दर्द से पिछले 25 साल से पीड़ित थी. Somebody said, if I go here, I'll be healed. किसी ने कहा कि यदि मैं इस सभा में आऊं तो चंगी हो जाऊंगी. I came and sat at the end of the chairs. मैं आकर पीछे कुर्सी पर बैठ गई. When this man came and stood. और जब ये व्यक्ति आकर खड़े हुए. I was looking at the platform. मैंने मंच को देखा. Suddenly अचानक ब्राइट लाइट केम एंड सराउंडेड हिम. एक बहुत ही चकाचौंध रोशनी उनके इर्द गिर्द आ गई. आई कुड नॉट इवन सी द स्टेज. मैं उस मंच को भी देख नहीं पा रही थी. सडनली अचानक ही डिसअपीयर. वो वहां गायब हो गए. समबडी एल्स वाज स्टैंडिंग देयर. कोई और वहां पर खड़ा था. विद अ व्हाइट रोब. एक सफेद धारी. एंड द लाइट केम फ्रॉम हिम एंड हिट मी वेयर आई वाज. और उससे एक रोशनी निकली और मुझ पर And a peace filled my heart. और एक शांति मेरे दिल में भर गई. I swooned and fell. और मैं वहां से गिर पड़ी. And when I got up,
और जब मैं खड़ी हुई, everything was over. सब कुछ खत्म हो चुका था. I didn't know what had happened in the meeting. मुझे नहीं पता सभा में क्या क्या हुआ. I saw everybody leaving. मैंने देखा सब लोग जा रहे हैं. When I got up, जब मैं खड़ी हुई, my back pain was totally gone. मेरा कमर दर्द जा चुका था. My name is Chandravati Singh, and I was suffering from back pain for a long time. And 4 months back, I had very pain in my right knee joint, and I was unable to put my weight. But now God has touched me, and I can walk very nicely. And that all stiffness and everything has gone. Hallelujah! Thank you, Jesus. I believe that I have also been cured by that. Now Jesus has saved me. I am so much thankful, and I'll give my rest of my life Amen. For the work of Jesus. Amen. Hallelujah. What a great miracle. और कितना अद्भुत आश्चर्य कर्म. But more than everything, लेकिन उस सबसे बढ़कर, great joy is in my heart. एक बड़ा संतोष मेरे दिल के अंदर. What a great God! कितना महान परमेश्वर. That's what happens in every Jesus calls meeting. और हर Jesus calls की सभा में यही होता है. Let not your heart be troubled. आपके दिल व्याकुल न हो. Compassion brings the word of God. तरस परमेश्वर का वचन लाता है. Compassion brings healing to the people. तरस परमेश्वर को लोगों को चंगाई देता है. Compassion breaks the works of the devil. और तरस ही शैतान के कार्यों को तोड़ता है. Are you fighting the devil? क्या आप शैतान से लड़ रहे हैं? When you have the compassion of Jesus. जब आपके अंदर यीशु का तरस है. The devils will fall. शैतान गिर पड़ेंगे. As God's word will come through you to bless the people. और जब परमेश्वर का वचन आपके द्वारा लोगों को आशीष देने के लिए आएगा. Don't be afraid of the wicked people or the devil. और दुष्ट लोगों से या शैतान से कभी डरिएगा नहीं. Get filled with Jesus. यीशु से भरे रहिएगा. आइए अब भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन के साथ प्रार्थना में भाग लेकर परमेश्वर के आशीष को पाएं. Let me pray for you. अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ. Father, reward your son, reward your daughter. हे पिता, अपने बेटी को और अपनी बेटी को प्रतिफल दे. Remember them, Lord. हे प्रभु, इन्हें तू स्मरण कर. With what sacrifice they have followed you. कि इन्होंने बड़ा बलिदान करके ये तेरे पीछे चल रहे हैं. Lord, for their heart to be seasoned and for them to walk humbly before you and the people. You have allowed them to go through much sorrow and suffering and pain. प्रभु, इनके दिल को प्रभु तूने तैयार किया है और इसी के कारण ये बहुत से दुख और दर्द में से होकर गए हैं. But now remember them, Lord. लेकिन अभी इन्हें स्मरण कर मेरे प्रभु. Remember to hold their hands and lift them up from the situation that they are in. हे प्रभु, तू स्मरण करके इनके हाथों को थाम ले और ये अभी जिस परिस्थिति में है उसमें से उठा ले प्रभु. Do miracles for them. इनके लिए चमत्कार कर प्रभु. Heal their broken heart. इनके टूटे दिल को चंगाई दे. Appear to them, Lord. इन पर प्रकट हो जा मेरे प्रभु. Compensate in double measure by making your spirit and your love fill their hearts without measure, Lord. परमेश्वर पिता, इन्होंने जो कुछ भी खोया उन्हें बदले में दुगना भाग दे और इन्हें आशीष दे. Remove the darknesses brought by the evil people and the demon powers. दुष्ट आत्मा और बुरे लोगों के द्वारा जो अंधकार लाया गया है उसे दूर कर दे. Let them all leave right now in Jesus' name and let your children be free. और ये सब यीशु के नाम में इन्हें छोड़ दे और तेरी संतान आजाद हो जाए. Let your supernatural prophetic anointing come upon them in return. और इसके बदले में तेरी अलौकिक भविष्यवाणी का अभिषेक इनके जीवन पर आ जाए. Let them hear your voice. और ये तेरी आवाज को सुनने वाले हो. Let them see your face. और ये तेरे चेहरे को देखने वाले हो. Lord, let them have great prosperity financially, Lord. हे प्रभु, आर्थिक रीति से ये महान संपन्नता को पाते जाएं. Let them be healthy. और ये तंदुरुस्ती में बने रहें. Let joy come back to the family and unity prevail. और प्रभु, इनके परिवार में आनंद आ जाए और एकता इनके परिवार में बनी रहे. Let there be open doors and open heaven for them. प्रभु, इनके लिए खुले द्वार हो और खुला हुआ स्वर्ग होने पाए. Let them be connected to your spirit. और ये तेरी आत्मा के साथ में जुड़े हुए होने पाए. Whatever they have lost, give it back to them in double measure, literally, Lord, from this day, let it start.
pouring and coming to them. जो कुछ भी ये खोए हैं प्रभु इन्हें तो दुगना दे, सच में आज के दिन से ये इनके ऊपर में उंडेलता चला जा. And let them enjoy every blessing. और ये हर एक आशीष का आनंद उठाने पाए. Thank you for this blessing. इस आशीष के लिए धन्यवाद. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God bless you, my friend. मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष दे.